टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए के तहत केस चलाया जाएगा। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस ने बताया कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। यूपी एटीएस के द्वारा गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में ये खुलासा हुआ है। मुर्तजा के ऊपर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए की 16, 18, 20, 40 धाराएं लगाई गई हैं। इसमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा धारा 16, साजिश की सजा धारा 18, आतंकी गैंग का सदस्य धारा 20 और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना धारा 40 शामिल है। आज पूरे प्रकरण को एटीएस ने पेश किया था मुर्तजा अब्बासी को, और माननीय न्यायालय ने मुर्तजा अब्बासी को चूँकि इसमें धारा की बढ़ोतरी कर दी गई, यूपा लगा दिया गया है, तो इस वजह से इस केस को एटीएस कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यूएपी एक्ट की धारा 16, 18, 20 और 40 में रिमांड सीख हुआ है, और इसका अलग से रिमांड जो लखनऊ कोर्ट में दिया गया उसके अनुसार बढ़ाया जाएगा। प्रयागराज में बड़ी घटना हुई। गंगापार के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में ही एक ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस से लेकर एसएसपी तक मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं एडीजी प्रयागराज की निगरानी में मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह बयान दिया है। एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। अभी साक्षियों को एकीकृत रूप से परीक्षण किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शासन और डीजीपी की तरफ से यही निर्देश मिले हैं कि एडीजी प्रयागराज जोन के निकट परीक्षण में इस घटना की विवेचना की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपित शातिर अपराधी मुनीर अहमद को शनिवार को बिजनौर की कोर्ट ने 10 साल की सजा और 1,00,000 का जुर्माना लगाया है, जबकि इसी मामले में उसके साथी रेहान को 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अदालत ने 3 साथी गैंगस्टर आरोपी से बरी किए हैं। 2016 में तंजीर और उनकी वाइफ की जो एटीए के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर उनकी हत्या हो गई थी, उसमें ये मुनीर नेम्ड थे और 2016 से ये जेल में है। मुनीर पर 36 केसेस थे, अब 35 केस रह गए हैं। इसमें 10 साल की सजा 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा। कौन सी कोर्ट ने सुनाया है सर? कोर्ट नंबर 5, डॉक्टर विजय कुमार तारियान, ईडी। यूपी का बांदा जिला अवैध खनन और ओवरलोडिंग के लिए जाना जाता है। यहां प्रशासन और खनिज अधिकारी की नाक तले रात दिन पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जाता है, जिससे परेशान होकर पीड़ित किसान ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है। जिसके बाद किसानों ने जिलाधिकारी से निवेदन किया कि उसकी जमीन उसे वापस दिलाते हुए दबंगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी बोर्ड अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए 3 पत्रकारों के लिए कई लोग एकजुट हुए हैं और बलिया बंद पूरी तरह से सफल रहा। बलिया के नगर पालिका, नगर पंचायत और छोटे छोटे कस्बे की दुकानें बंद रही। यहां छात्र नेता, व्यापारी संगठन, पत्रकारों को कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। वहीं इस ऐतिहासिक बंदी में जनता का भी समर्थन मिला है। खास बात यह है कि पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह दुकानें बंद करते नजर आए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां गोमती नगर के नवाबपुरवा इलाके के
टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रों को स्कूल की मार्कशीट से उनके नंबर ही गायब दिखे हैं। वहीं इस पूरे मामले में प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। वहीं कुछ और भी स्कूल हैं जहां पर इसी तरीके से बच्चों की मार्कशीट के साथ खिलवाड़ हुआ है। अखिला तो सब शासन ने करा दिया है, शासन से हम लोग लगातार बरियात करते रहे तो शासन ने शासनादेश जारी कर बच्चों का प्रवेश तो सब जगह हो चुका है, परंतु ये नंबर नहीं होने के कारण बच्चों को दिक्कतें तो आ रही हैं। जब ये बच्ची कहीं फार्म भरेंगे तो उसमें उनके अंक ही नहीं, और सबसे पहले हाई स्कूल के अंक ही चढ़ाए जाते हैं। तो हमारा प्रयास बराबर है, सहकारिता भवन में कल कार्यक्रम है, डिप्टी सीएम साहब पाठक जी आएंगे, गुलाबो देवी माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री हैं वो आएंगी, बेसिक हैं, कल भी इस विषय को रखा जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि मान्यवर ये बच्चों का मामला चिट्ठी जो बराबर हमसे मांग जांच करते रहे, हम लोग अनुरोध करते रहे कि साहब नंबर चढ़ा दीजिए, नंबर चढ़ा दीजिए, इसमें हम लोगों की तरफ से कोई भूल नहीं हुई है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, जैसे कक्षा 11 के 12 में कर दिया है वैसे 9 वाले के 12 वाले 10 में चढ़ा दीजिए। इस तरीके के हमने बहुत सारे अनुरोध किए हैं और हमारे प्रबंधक संघ ने किया है, कोर्ट ने किया है, लेकिन कोर्ट विभाग की तरफ से कुछ जवाब आया इसका? कोर्ट विभाग का कोई जवाब नहीं आया। विधानसभा चुनाव के समय से लगी आचार संहिता के चलते जहां जनपदों में तहसील दिवस और समाधान दिवसों पर रोक लग गई थी, तो वहीं आचार संहिता हटने के बाद आज से औरैया में सदन तहसील में पहला तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में आने वाले सबसे ज्यादा फरियादियों में जमीन से संबंधित मामले थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने अपने अधीन सभी पदाधिकारियों को सख्त हिदायत और चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी फरियादी आए उनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र और शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए। सीता के बाद ये पहला तहसील दिवस लगा है, क्या कहना चाहते हैं, कितनी शिकायतें आई हैं और किस तरीके से निस्तारण के लिए आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, ये नई सरकार गठन के बाद अभी ये पहला तहसील दिवस हो रहा है यहाँ तहसील सदर और यह जनपद में। यहाँ पर जो पब्लिक है उसकी कुछ ज़्यादा शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, पर जो भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उन सबकी जांच कराने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जा रही है और समयबद्ध तरीके से उनकी जांच हो जाए और उसका निस्तारण मौके पर जाकर हो जाए। और मेरे द्वारा समय समय पर यह भी चेक किया जाता है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है और कॉल करके उन सभी प्रार्थना पत्रों में जो प्रार्थी होते हैं उनका फीडबैक भी लिया जाता है। तहसील दिवस बहुत पुरानी हमारी सरकार की योजना है और केवल आचार संहिता की वजह से कुछ दिन रुक जाता है, आचार संहिता खत्म हुई है, आज पहला तहसील दिवस है और इसको हम लोगों ने अखबारों में दिया था, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट धीरे धीरे लोग इससे जानकारी हो जाएगी कि तहसील दिवस शुरू हो गया है। तो ठीक है, इनके जो भी आएंगे उनका प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया जाएगा निर्धारित समयावधि में। खबर बदायूं से है जहां नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर कई दिनों तक एक शादीशुदा युवक अवैध संबंध बनाता रहा। लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले उसके रिश्तेदार ने अपनी मां की तबीयत खराब कहकर किशोरी को अपने साथ ले आया और लगातार कई दिनों तक खाने में नींद की गोलियां देकर मेरे साथ अवैध संबंध बनाता रहा। जैसे तैसे परिजन किशोरी को आरोपी से मुक्त कराकर अपने घर ले गए, जिसके बाद किशोरी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। किसके साथ हुई थी शादी? माजिद हुसैन के साथ। माजिद हुसैन के साथ। जब इस लड़की को बुलाने आया था ये, तब आप कहाँ थी? घर पे थे, ये करके गए थे हम दवाई के बहाने। फिर ये बोले 3 दिन के बाद हम ले जाएंगे तुम्हारे लिए। अच्छा। हमने 3 दिन बाद फोन किया आपके कि हम ना आवेंगे लेवान के लिए तुम्हारे लिए। हमने सही है, इनने गाली गलौज दी हमारे लिए, इतनी गाली थी बहुत बुरी, हम चुप हो गए, हमने सही है सही हम ऐसे करते रहे इनसे। कितना टाइम हो गया इसके लिए आप यहाँ रहते हुए? हमें 4-5 महीने हो गए इसमें। तब से आपको लेने भी नहीं आए? ना कोई खर्चा दे रहे हैं, हमारे माँ बाप इतने परेशान होंगे, हमारे बालकन लोग का हमारों का रहें। वो घर पे लेने आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी से बोला कि लफ्सा को भेज दो। कहाँ भेज दो? अलापुर। अलापुर किसके साथ? माजिद के साथ। फिर वहाँ जाकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, बंद कमरे में, एक कमरे में बंद कर दिया और कहने लगा तुम घर नहीं जाओगी, नींद की गोलियां देता था। जब न सुबह को मतलब मेरा नशा उतरा तो मैंने वहीं पे एक फ़ोन रखा था, मैंने फ़ोन भैया को करा, भैया मुझे यहाँ लेने आ जाओ। भैया वहाँ पहुँचे तो
तो मुझे एक बंद कमरे में करके वो भाग गया वहाँ से। हमारी बहन को लड़का लेने आओ, बोलो खाला गुलाबसा को भेज दो, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, हमने भेज दिया जी। हमन जाए के लड़की संग में ना बकरी कमरे में बंद कर दी, घर पर तू ना जाएगी, लड़की हमारी कहाँ हुआ रहेगी, रोज चिल्लाएगी। इसने नींद की गोली दे देता, सुबह सो जाती, सो के जगी तो फोन करो घर पे भैया को, भैया हमें लेने आ जाओ, भैया लेने गए तो भैया को मानने को चढ़ेगा, फिर भाई हमारे परिवार वाले को लेके गए मान लड़का, तो फिर लोगों से लेके आया, तक बाद में लड़की ने कही घर पे लेके आए, लौड़िया ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे संग में किया है, हमने कही सब बात इसने घर पर बताई आएगी, तो फिर हमने इलाज भी करवाया, अब जाकर पाना बंद कमरे में कुआं कर दिया, फिर उसने पुलिस भेज दी हमारे घर, फिर उसके बाद हमने कार्रवाई की। अच्छा, खबर फरीदाबाद से है जहां सेक्टर 2 में आईएमटी चौक के पास 8वीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि मजदूर न्यू निर्माण की साइट पर सरिया बांधने का काम करता रहता था, हादसे के बाद मौके पर पहुंची और मृतक के परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुटे। खबर सिद्धार्थ नगर से है जहां पुलिस ने 102 गुमशुदा मोबाइलों को बरामद करके उनके मालिकों को सौंपा है और मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी देखने को मिली। बता दें कि पुलिस की सर्विलांस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद बरामद किया है इन फोनों को, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि मोबाइल बरामदगी में लगी टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। जनपद सिद्धार्थ नगर में सर्विलांस की टीम ने मोबाइल बरामद किए हैं, लगभग 102 मोबाइल हैं जिनकी कीमत मार्केट में 10 से 12 लाख रुपया है, और ये विभिन्न लोग हैं जो अपने जनपद सिद्धार्थ नगर के हैं और गैर जनपद के भी रहने वाले हैं, जिनके मोबाइल गुम हो गए थे, खो गए थे या कहीं ट्रैवल करते टाइम गिर गए थे। इस तरीके के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पर ले कर उनका IMEI नंबर रन करा के बरामद किए हैं, और सर्विलांस की टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाए। संगम विहार कॉलोनी में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिम जा रहे एक शख्स को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी, जिससे युवक वहीं बैठा रह गया और मौके पर बदमाश फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस को सूचना मिला था लगभग 8:45 बजे के आसपास, एक युवक अपना जिम करके बाहर निकल रहा था, उस समय दो लोग मोटरसाइकिल में आए कि उनको गोली मारने से सूचना मिला, तो पुलिस मौके पर जाके पता किया है। वो आदमी दूध का कारोबार करता था और ब्याज का भी काम करता था, वो जिम करके बाहर निकलते एक दो लड़के एक मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है, गोली मारने के बाद लोग भाग गया है, अब तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील क्षेत्र के कैर ग्राम पंचायत में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल खराब हो गई। सूचना पाकर SI घनश्याम और डायल 112 मौके पर पहुंची और वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। बता दें कि इस पूरे मामले में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नाम क्या आपका? राम प्रताप प्रजापत। क्या हुआ है? आग ही लगी है पोल पर से। तो लगभग कितना नुकसान हुआ, किस किस का जला है गेहूँ? खड़ा गेहूँ तो लगभग 1.5 बीघा ले सब उधर भरा है, और तो ये कटा हुआ था। टोटल कितना जला है? टोटल लगभग 3-3.5 बीघा तो होगा ही। आज के आधुनिक युग में अंधविश्वास पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है, यह अंधविश्वास कई लोगों पर भारी पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामला इगलास कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां महिला का झाड़फूंक से इलाज करने के नाम पर गांव सतलोनी के मौलवी ने बर्बरता की।
मौलवी ने भूत उतारने के नाम पर महिला से छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने का प्रयास किया, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई और बेहोश हो गई, जहां परिजनों ने मौलवी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी मौलवी आस मोहम्मद को हिरासत में लेकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप में कार्रवाई की है। मामला ये था कि ये 6-7 दिन से इसकी तबीयत खराब थी, तो इसको क्या मेरे चाचा का लड़का वहाँ लेके गया था, तो इसने क्या कमरे में बंद करके नहीं है उसका इलाज करने का झांसा देकर उससे मारपीट की है। किसने इलाज किया है? ये मौलवी है जो। तो आपको कैसे पता पड़ा कि इनके साथ मारपीट हुई है? नहीं, वहाँ पे मेरे चाचा का लड़का मौजूद था उस टाइम पर। चोट इसके भारी गंभीर है, पूरे शरीर पर चोट है। क्या बीमारी क्या थी? कुछ उपल्ला वो था, चक्कर, हवा का चक्कर था। आज ग्राम 17 कला में थाना इलाज में एक महिला की पड़ोसी मौलवी द्वारा झाड़फूंक के नाम पे काफ़ी मारपीट की गई है। उसके परिवारजनों द्वारा मौलवी या लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। बलिया में पत्रकारों के आह्वान पर शहर के बंद होने का असर दिखा है। बलिया शहर सहित सभी नगर पंचायत कस्बे दुकानें बंद रहीं। इस दौरान अधिवक्ता, छात्र नेता, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन का समर्थन मिला। वहीं पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध हुआ था। बंद फेल करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती दुकानें खुलवाने का भी प्रयास किया, तो वहीं बंद की अपील करने निकले व्यापारी नेताओं के पुलिस प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। जिला प्रशासन दुकानें नहीं खुलवाने में नाकाम रही, तो वहीं निर्दोष पत्रकार की रिहाई और दोषियों पर कार्यवाही की मांग पर पत्रकार अड़े रहे। पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। पत्रकार मोर्चा, पत्रकार संयुक्त मोर्चा, पत्रकार संगठन के कई संगठन इसकी लड़ाई में लड़ रहे हैं और पूर्वांचल दुग्ध व्यापार मंडल पत्रकारों की इस लड़ाई में शुरू से साथ रहा है। और आज जो बलिया बंद का आह्वान किया है, व्यापार मंडल ने घूम घूम कर व्यापारियों से उसमें स्वेच्छा की मांग की है, स्वेच्छा से लोग बंद किए हैं और इसका भरपूर समर्थन किए हैं। अधिवक्ता मनोज हंस, सिविल कोर्ट बलिया। पत्रकारों के सम्मान में पूरा बलिया आज मैदान में है और हम लोग पूरे बलिया को बंद कराने के लिए हम लोगों ने शहर की सड़कों पर घूमा और हम लोगों ने देखा कि कहीं हमें बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हर मोहल्ले में, हर गली में सारी की सारी दुकानें बंद थी। अगर एकाध दुकानें गलती से खुल गई थी, जिनको जानकारी नहीं थी, उनसे हमने सहयोग की अपील की, वो तुरंत बंद करके सारे लोग सहयोग किए हैं और पूरा बलिया बंद है, कहीं भी दुकान खुली नहीं है। देखिए भाई, सबका सहयोग मिलने का मतलब आप समझते हैं कि जनता जनार्दन होती है और पंच परमेश्वर में ईश्वर की भावना होती है। ये समझ सकते हैं आप कि अगर पूरे संगठन आज पत्रकारों के साथ है तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है और पत्रकारों की कलम कहीं ना कहीं ऐसी चली है कि प्रशासन और शासन के होश उड़ गए हैं। यही कारण है कि योगी सरकार तक मिली। हम लोगों को भी बीच में जो है, कल भी हम लोग जब व्यापारियों को अनुरोध करने के लिए गाड़ी से उन लोगों को बता रहे थे कि भाई कल अगर आप लोग चाहें तो अपनी दुकानें हमारे समर्थन में बंद कर सकते हैं, उस गाड़ी को भी उन लोगों ने बंद भी करने का काम किया। और कोतवाल कहते रहे कि RTO ने बंद किया, RTO कहता था कि कोतवाल ने बंद किया, वो कह रहे हैं कि PSI ने बंद किया है। आपस में एक दूसरे पे करते रहे और उसको ले जा करके थाने में बंद कर रखा था। आज भी हम लोगों के साथ जो लोग घूम रहे थे उनमें से कई लोगों को धमकाया गया, कई लोगों को जो है गाड़ियों हम लोगों के साथ जो थी उनको बंद भी किया गया, बीच में कोतवाल द्वारा रोका गया, लेकिन फिर भी सारे व्यापारी उत्साहित थे और व्यापारियों ने खुद ही दुकानें नहीं बंद की है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा है। हम लोगों ने घूम करके देखा भी है, सब सारी दुकानें स्वतः रूप से, शैक्षिक रूप से सारे लोगों ने बंद कर रखा है, किसी को हम लोगों ने कोई जोर दबाव नहीं दिया है। सब ने प्यार से, सभी लोग पत्रकारों के समर्थन में दुकानों को बंद किए हैं और इसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं और बलिया की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो आज अपने घरों से ही नहीं निकला है और सब लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं और पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1000 से अधिक कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 975 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,40,947 हो गई है। वहीं इस संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है।
है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 11,366 एक्टिव मामले हैं और कुल संक्रमितों का 0.03% है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।